ए बप्पा जी ए करे तारल इतना अच्छा लगा। हर सिंगर नहीं है यही रुचि जाओ चलो बता बड़ी गाना गोले बड़ो अच्छा श्याम बाबा के स्थान है। जी जी नमस्ते मेरा प्रणाम। अच्छा हमने तो अमृता मिल रहे थे राहुल और भाभी के बहुत सुंदर फोटो बैठे हमारे विजय भैया हमारे गुरु हैं पटना रंगमंच के। मैं नाटक की शुरुआत शुरू किया पंडित गुरु मेरे यहीं पर रहते हैं तो आज से बड़ा आनंददायक जगह होगा। माना जाना थोड़ा मुश्किल है जगह आम पटाल यहाँ तो हमने तो बहुत आई है ना। हाँ शूटिंग काफी मर्ड जी 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 गणपति बप्पा मोरी इतना अच्छा लगा। सोनू जी आ रहे हैं। भाभी आ जाइए। नमस्ते नमस्ते ये हमारे पापा हैं। हर सिंगर नहीं है अपना पेड़ का पूजा। अच्छा धन्यवाद। हाँ ये इनका चयन है भैया इनका चयन है। ये मूर्ति हम तो आनी ना बुकिंग में ये कुछ आप नहीं करके हमको कल हम लोग बात कर रहे थे कि गणपति बप्पा के बारे में बप्पा की सवारी मूस तो ऐसा क्यों हुआ तो हाँ तो उसके जब अंदर हम लोग घुसे तो एक बड़ी बात आई कि बप्पा का पेट इतना बड़ा सूंड इतना लंबा लेकिन वो समय से बहुत हल्के हो जाते हैं। तो एक उनका संदेश है कि रहिए बहुत बड़े लेकिन रहिए हल्का वो इतना अच्छा कि ये एक थॉट निकल के आया कि आप खूब बड़े रहिए लेकिन आपको उठाने में भारी ना पड़े आप किसी को आपको उठाने में बहुत बोझ न लगे। हम तो इसी को
आज भी स्मार्ट हुए भैया हमारे जूनियर एनएसटी के। अच्छा एनएसटी के 3 साल जूनियर 35-17 हजार से गुरु जी सिस्टार्थ जी हैं, ये गाजीपुर के हैं। अच्छा इनका पालघर में कारोबार है और हमारे फैमिली मित्र हम लोग पहले साथ रहते थे। भाई आपको बाकियों से मिलवाए हमारे पास एक फोटो करवा बटन लगा होता नहीं उसका पूरा किस्सा सुन चुके हैं। वही सब पूरा सुन भाई किस्सा सुना चुका भाई सुनोगे मैं अब कुछ क्या आनंद का हुआ खलीलाबाद वाला। अच्छा सुंदर बात हुआ है भतीजे ने हुआ सुने। अच्छा आनंद आनंद की वाली है क्या तो बहुत दो दिन से हमारे कुछ छोड़ रहा है हुआ है सगा हुआ है और ये वो हमारी बहन है और ये परितोष की मम्मी और ये ससुर जी हमारे और विश्वनाथ के पापा। ये मोनिका है उनकी बहू है शादी यूएस में तो यूएस में नहीं देखे थे इसको मेरी बेटी है। अच्छा इसको नहीं देखे हाँ वो देखे थे आई थी स्टेज पे आई थी आई थी स्टेज पे थोड़ा दो थे एक और कोई थी नहीं ये थे कोई था नहीं तुम्हारे साथ नहीं अकेले थी जब हम लोग बताए थे थोड़ा दूर बैठ थे। हाँ 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 तो अभी प्लस टू कर लिया है वहाँ से। अच्छा। स्टॉक से बॉम्बे आगे नहीं पड़ेगा फिर इधर जबरदस्त फाइन है ये गाना सुने लिया भोजपुरी के हमने क्या भोजपुरी रिंकिया के पापा इस ग्रुप के बच्चे रिंकिया के पापा सुन चुके अभी ये राजा जी भी सुन वो आ गया राजा जी बहुत ये राजा जी तो गजबे हो गया गजब है गजब रील चल रहा है चलता होगा गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। आज बहुत सौभाग्य की बात है देखिए गणपति बप्पा पंकज जी के घर में आए हैं और वैसे भी तो वो रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सब भरे हुए हैं। एकदम गांव के सामान्य से लड़के को बप्पा की कृपा से क्या हम दोनों उसी कैटेगरी में उसी पृष्ठभूमि से आते तो, हैं दुनिया का और इनके घर में गणपति बप्पा आए पंकज भाई का एक फ़ोन आया हम कहे चलते हैं तो हम गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेने आ गए और प्रार्थना करने आ गए कि इनकी और ही बढ़ावें और ही चढ़ावें ऐसे ही गणपति बप्पा की कृपा बनी रहे हम इन पे तो बनी रहे उनके पूरे परिवार पे रहे हम सभी पे रहे और पूरे देश पे रहे। तो हम लोग गणपति बप्पा का दर्शन करने में दिल्ली से आ रहा हूँ। सर आपसे जानना चाहेंगे कि बप्पा आपके घर में पधारे हैं किस तरह से आपने गणपति सेलिब्रेट किया? काफ़ी 7 दिनों से लगे हुए हैं हम लोग 300 पत्तल मंगाए थे पत्तल समझते हो पत्ता प्लेट वो ख़त्म हो गया है तो महाभोज चल रहा है रोज़ खाना पीना बप्पा का सेवा हो रहा है पूजा पाठ अभी शाम को ढोलक झाल आरती होती है नहीं उसके संग संग भैया से मेरी बात हो रही थी 5-6 दिन पहले हम न्यूयॉर्क में भी थे इंडिया डे परेड में हम दोनों तो बोले गणपति आते हैं बाद बोले हम आवता नहीं 12 के तो मैं बड़ा संकट में कि दिल्ली से आना है मुझे धर्म संकट हो रहा था कि आपको मैं कैसे बोलूँ बहुत दूर है दिल्ली का। फिर भैया का बड़प्पन है कि ये बोले ना हम आए हमने के दोनों भोजपुरिया माटी के हैंसन भाषाई सांस्कृतिक कल्चरल सामाजिक रूप से एक ही दुनिया के लोग हैं तो भैया आए ये तो हमारे लिए गौरव की बात है। घर पे बप्पा का दर्शन किए और अब हमारे साथ भोजन खाना पीना गायन करवाएं जो है ना वो जिसको बुलाना है उसको बुलाते हैं वरना जैसे पंकज भाई भी बोल रहे हैं ना कि हम सोचे बोले ना बोले ये नहीं भी बोलते लेकिन बोल दिए तो दिल्ली कितना दूर है हम लोग तो और उससे भी दूर होते तो चले आते। और सवेरे हमको दुबई जाना था तो हम लोगों का वहाँ से टिकट था सवेरे का सब चेंज कराया अब यहाँ से हम दुबई जाएंगे तो पंकज त्रिपाठी जी बुलावें ये भी तो एक सम्मान है ना भाई। और
गणपति बप्पा आप ध्यान से देखिए कितने सुंदर हैं और लाल देह लाली लसे वाली स्वरूप है। हाँ लाल देह लाली लसे अद्भुत है यह रंग, गणपति बप्पा के इस रंग में कोई ना हो बेरंग। तो कुछ अलग हैं आप देखिएगा। मैं बहुत गणपति बप्पा देखा हूँ और मैं सबको बोलता हूँ कि गणपति उत्सव में अपने घर में डेढ़ दिन के लिए, तीन दिन के लिए, पाँच दिन के लिए, जैसी क्षमता हो लाइए। अगर दस दिन तक रह सकते हैं तो पूछिए मत। तो पंकज भाई को धन्यवाद कि ये जो तरीका है ना, ख़ास तौर से महाराष्ट्र में, अब वो धीरे धीरे पूरे देश में फैल रहा है, लेकिन यहाँ के घर में गणपति बप्पा काना दे के पूरा परिवार बैठा हुआ है, सब कोई बैठल बाटे अपन अपन भाव लेके, तो ये बप्पा के कृपा बाटे कि यही बहाने इतना लोग मिला तटे जी। सर ज़्यादा एक क्वेश्चन आप दोनों से है कि आपने कहा कि हम एक छोटी जगह से आए हैं और काफ़ी नाम कमाया सर आपने भी और आपने भी, तो कोई एक ऐसा इंसिडेंट कि बप्पा की वजह से ही ये मैं पार कर पाया? देखिए बप्पा तो ये बोलिए इनके बाद में सुने, लेकिन बप्पा तो प्रथम पूज्य हैं। हर देवता की शुरुआत बप्पा से ही होती है। आप प्रथम पूज्य गणपति गणनायक किसी भी आयोजन के, किसी भी आयोजन में सारे देवताओं ने मिल के इन्हीं को, ब्रह्मा जी नहीं, विष्णु जी नहीं, महादेव नहीं, महादेव तो इनके पिता हैं, ये गौरी शंकर के पुत्र हैं, फिर भी इनकी पूजा सबसे पहले। तो हम लोगों के ऊपर जो भी कृपा हुई है वो तो गणपति बप्पा मूल है। हम तो शुरू में एक भाव कहले रहने की, हे गणेश बाबा अमंगल विसार द, बुद्धि ज्ञान भर द या बढ़िया विचार द, हे गणेश बाबा। और जहाँ से हमनी के बानी जा, ये तो पंकज भाई खुदे बतावे कैसे आ गए ना, हम तो इनके देखी ना तो आश्चर्य से ताकत रही ना। अभी अमेरिका में हम देख ली इनकर जलवा कि मैंने खांसियों देता ना तब वो आदमी ताली बजावता। आप सोचिए ऐसा होता है क्या कि कुछ भी जो ताली भी बजा दे तो वही स्टाइल बन जाए, ये पक्का गणपति बप्पा की महादेव की कृपा है। हाँ हम कुछ तो ईश्वरीय परमात्मा का कृपा है, नियति है। हम लोग तो जिस पृष्ठभूमि में से आते हैं, इतना कुछ होना बहुत असंभव और मुश्किल काम है, भैया सही बोले। तो ये परमात्मा का कृपा है, अपनी परिश्रम है, मेहनत है, बट बावजूद बाकी चीज़ें अपने हाथ में किसी के नहीं होती है। तो बस बप्पा की कृपा है। हम 14 साल से कर रहे हैं बॉम्बे, जब से आए हैं मेरे कर्मभूमि का ये मतलब आयोजन है। हमारे यहाँ तो सिर्फ व्रत होता है बिहार यूपी में गणेश चतुर्थी को, एक दिन का व्रत, यहाँ बहुत बड़ा आयोजन है। अब हम लोग मुंबईकर हैं, हो चुके हैं, तो बस ये आयोजन चल रहा है और आनंद आता है, पूरा परिवार इकट्ठा होता है, ये सबको जोड़ने वाले बप्पा हैं। आप सबको भी शुभकामनाएं, गणपति की जय हो। धन्यवाद सर। सर जाते जाते एक हिंद का सितारा प्लीज। ए बप्पा जी ए करे तारा।